यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बिल्कुल एक नया एक गवाही यानी कि घटना के बारे में बताने वाला हूं जहां पर एक मुस्लिम महिला ने यीशु मसीह को देखा। जी हाँ, एक मुस्लिम महिला ने यीशु मसीह को देखा। जी हाँ, मेरे पीछे आओ, इस प्रकार से उस मुस्लिम महिला ने देखा कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे पीछे आओ। जिस प्रकार से पतरस को यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे आओ, उसी प्रकार से ये महिला ने भी देखा कि यीशु मसीह मुझे पुकार रहे हैं और अपने पीछे आने के लिए बोल रहे हैं। जी हाँ, तो उन्होंने जो इस्लाम है उसको त्याग कर यीशु मसीह पर विश्वास किया और क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। ये जो घटना है तेहरान ईरान की एक घटना है। पूर्व मुस्लिम महिला ने जो बचपन में संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस गई थी, उन्होंने हाल ही प्रभु यीशु मसीह के एक दर्शन के बारे में बताया। उसकी जो मुलाकात है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से हुई थी उन्होंने बताया। वो महिला बताती है कि किस प्रकार से वो महिलाओं को पीड़ाओं से दर्द से प्रभु यीशु मसीह ने निकाला और एक अच्छी स्थिति में लेकर आ गए। वो बताती है कि मैं एक विद्रोही बन गई थी और नशा करने वाली थी, सिगरेट पीने वाली थी, शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से ये जो मुस्लिम महिला वो बताती है कि छोटी उम्र में ही ये सब काम करना शुरू कर दिया था। बाद में जो बहुत सारे आघात, जो समस्याएं हैं, मुसीबत हैं, प्रॉब्लम्स हैं और वो बढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूं और वो आत्महत्या करने वाली थी। और उस बहन का नाम था निकिता। उन्होंने पूरा नाम नहीं बताया है, केवल इतना ही बताया कि उनका नाम निकिता था। और निकिता के लिए बहुत ही निर्णय क्षण उस समय जब आया, उसकी माँ ने उसे और उसकी बहन को एक गर्मियों में ईरान जाने के लिए राजी कर दिया। उसकी माँ का मानना है कि यह यात्रा उसकी बेटी के बीमार दिल को आराम पहुंचाएगी। निकिता को याद है कि उसने अपनी माँ से कहा था, मैं नहीं जाना चाहती, मैं वास्तव में नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी वह यात्रा में गई। उन्होंने कहा है कि तब ईश्वर ये एक आकर्षण तरीके से प्रकट हुए, उनके धार्मिक जीवन को बदल दिया और उन्हें क्रिश्चियनिटी ने उस निकिता बहन को अपनी ओर आकर्षित किया। निकिता ने बताया कि वो एक अपने मौसी के घर में थी, तो अपने घर के बेडरूम में जहां पर वो सोई हुई थी उन्होंने यीशु मसीह का एक दृश्य देखा और उन्हें दिखाई दिया। उसमें जीसस के काले बाल है, लंबे बाल थे और उन्होंने नीला वस्त्र पहना हुआ था। वह रंगीन शीशे वाली खिड़कियों वाले एक चर्च के अंदर थे। इस प्रकार से बहन ने यह दृश्य देखा। निकिता ने कहा कि उसने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा, मेरे पीछे आओ। मैं उसे मेरे पीछे आओ कहते हुए स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी, लेकिन मुझे पता है कि उसने इस प्रकार से कहा था। और ये जो घटना है उसके ऊपर निकिता का बहुत बड़ा असर पड़ा और वह गूगल के ऊपर सर्च करने लगी यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने एक गूगल पर एक ऐसी तस्वीर देखी जो कि उसने सपने में देखी थी या दर्शन जो देखा था, वही जो तस्वीर, सेम तस्वीर उन्होंने गूगल में भी देखी। वो निकिता है वो एकदम उसका दिमाग घूम गया कि वैसी तस्वीर मैंने गूगल में देखी। इस प्रकार से ये बहन का कहना है। उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके बाद क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, बपतिस्मा लिया, खुशी से रहने लगी। लेकिन घर आने के बाद मालूम चला कि इसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, तो उसके परिवार, उसके पिताजी उसे डांटने लगे, धक्का दिया और उसके सिर पर रोना शुरू कर दिया। वह उसकी माँ की तरह भी उससे नाराज था कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। निकिता के पिताजी ने कहा कि तुम बेकार हो, तुम खुद को क्या समझती हो, यीशु मसीह का अनुसरण करती है बिल्कुल गलत है, इसलिए तुम खुद को बहुत खास समझती हो। के बाद उन्होंने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली, उनका एक बच्चा भी है, इस प्रकार से बताया गया है। निकिता जो एक मुस्लिम परिवार से थी लेकिन बाद में उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि इस घटना के कारण प्रभु ने उसे बोला कि मेरे पीछे आओ। चल रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आप सभी को जी मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।